किस मुंह से ये लोग बोलते हैं? सुशील मोदी का मुंह से बोलते हैं कि किसी से बोलते हैं? कभी गले मिलते हैं, कभी रिहाई की बात करते हैं, कभी दुर्दांत अपराधी बोल देते हैं। देखिए एक बात समझिए कि आप पहले तो आप हाय तोबा जो लोग मचाने लगते हैं हर चीजों में, जाति को लाना, धर्म मजहब को लाना, वहां शूट कर दिया, वहां शूट हो रहा है, यहां निकाल रहा है। अरे किसको शूट कर दिया? जी कृष्णा जी का हत्या हुआ नहीं, सरकमस्टेंसेस थी और हमारे एक हीरा चले गए, उस परिवार को लौटाया नहीं जा सकता, ये दुखद है। जातीय उन्माद में जब आनंद मोहन और पप्पू यादव समाज को बांट रहे थे, तब कोशी का पहला इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा रहा था। ऐसे कई मौके आए जब जब इनकी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में न जाने कितनों की जान गई। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे लेकर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की है, साथ ही नीतीश सरकार को पुनर्विचार की सलाह दी है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कारा नियमों में हुए संशोधन पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले ब्रजभूषण सिंह को शूट कर दिया है, एक साल से केस नहीं हुई है। 136 वाले ब्रजेश सिंह को शूट कर दिया कि विनीत सिंह को, धनंजय सिंह को कि राजा भैया को, किसको शूट किया है? सेंगर को। और जितना ये नागा बाबा जो बीजेपी में है, किसको शूट किया? ये लोग ये शुरू कर देते हैं राजनीति करना। बीजेपी वाले कल ट्रेन पे चला रहे हैं, बीजेपी वाले से जरा पूछिए ना, अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, समता पार्टी बीपीपा एक साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं? तब इसको दुर्दांत अपराधी नजर नहीं आए? एक साथ सरकार बनाने के लिए तैयारी किया था ये लोग, अडवाणी जी अटल जी भी थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार की नीतीश सरकार को आनंद मोहन को रिहा करने के मामले में एक बार पुनर्विचार करने की सलाह दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। दरअसल नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता सहित 27 अन्य बंदी जेल से रिहा होंगे। बता दें कि गोपालगंज के जिला अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को पटना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाल ही में बिहार जेल नियमावली 2012 में नीतीश सरकार ने संशोधन किया है। इस नियमावली से सरकारी कर्मचारी के हत्यारे कैटेगरी को अब हटा दिया गया है। 10 अप्रैल को इसे लेकर राज्य के गृह विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी मुहर लगाई गई थी। खैर इस खबर में बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।